तो कैसे हो सब? आई होप आप सभी ठीक हो। अब मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ। मैं जो एक दो दिन से काफ़ी बीमार चल रहा था, अब मैं ठीक हूँ। और एक और अच्छी बात यह है कि मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है जो आप माइट भी सोच रहे हो। ईच एंड एवरी थिंग इज़ फाइन, इट वॉज जस्ट ए माइल्ड फीवर। तो अब ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। प्रयास के इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ आपको, और आज के इस लेक्चर में, एक लेक्चर तो रहेगा छोटा सा, लेकिन साथ ही साथ एक मोटिवेशनल, एक मैं आपको एक पिक दिखा के कुछ बात भी करना चाहता हूँ आपके साथ। क्योंकि अगर बच्चों, अगर आप पढ़ाई खाली 2 या 4 या 5 बच्चे ही कर रहे हैं, तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, कि पता चले कि जम्मू में भी कोई है, या मैं अपने लिए नहीं, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक दायित्व बनता है पूरी सोसाइटी के लिए, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि हम इस वक्त एक दूसरे का हाथ से हाथ बटा सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आनी पड़ी है ये, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो, किसी की भी पढ़ाई वेस्ट हो, इसलिए आप प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भाई। कि अगर आप शेयर करते, आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे सब्सक्राइब करने, तो इससे क्या होता है कि पढ़ाई सबकी हो सकती है। और ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि आपको आपके स्कूल में, ट्यूशन सेंटर्स में, कहीं पे भी, जो कोचिंग नहीं भी जा सकते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मेरी गारंटी हो, मैं आपको मैथ्स में 90+ दिलवाऊंगा, कि आप मेरा, अगर आप साथ दोगे। आप तो बस ये वीडियोस देखनी है, टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछने या कॉल करके डाउट्स पूछने हैं। आई एम हेयर फॉर यू पीपल। तो चलते हैं, और आज हमारा लेक्चर रहेगा 9th क्लास पे। कल जो प्रीवियस जो लेक्चर था 9th क्लास में, जिसमें मैंने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 बनाना सिखाया था आपको, लेक्चर लंबा होने के कारण 2+√5, 2-√5, √50, इस तरह की चीज़ें रह गई थी। उनको आज हम देखेंगे, प्लस साथ साथ में हम आज एक मोटिवेशनल बातें भी करेंगे, अपने बारे में जानेंगे, आपको बताऊँगा, आपसे पूछूँगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये हूँ मैं, आकाश गुप्ता, बीई यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट एंड इंटरव्यू ड्रॉप आउट, मैथ्स और SST की फैकल्टी हूँ मैं। और मुझे घूमना, लोगों की हेल्प करना और टीचिंग करना बहुत पसंद है। देखो, यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, TS का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है स्टेट का। मैंने ये एग्ज़ाम फेस किया, हालांकि मैं फाइनली सिविल सिलेक्शन इसमें नहीं आया, पर मैंने प्री मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा। और इसमें मैंने कोई भी दिल्ली जाते 2-2, 5-5 लाख रुपये की कोचिंग नहीं ली, मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई थी। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक अच्छा ऑनलाइन मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब से पढ़ाई थी, आसपास और सोर्सेस को एक्सेस किया, जैसे हाँ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में दिया, पर था टेस्ट दे दें, तो मैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी, मैं आपको असाइनमेंट शीट्स भी दे रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आप इन असाइनमेंट्स तो सॉल्व करो, और फिर मेरे से पूछो। इनफैक्ट आप RD शर्मा अपने लेवल पे NCERT सॉल्व करना शुरू करो, जो डाउट आते हैं मेरे से पूछो। आई एम हेयर फॉर यू, 24/7 रेडली अवेलेबल। तो एक एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, मल्टीपल एग्ज़ाम्स, SSC, CGL, बैंकिंग, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सब विस्तार से बताऊँगा। लेकिन इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो। अगर मैं 10 कदम आपके लिए चल रहा हूँ, आप एक कदम तो उठाओ। आपका काम क्या है? इस चैनल को फैलाना है। आपका काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ लोग जुड़ें, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम बिल्टअप कर सकें, एक ऐसा मीडियम आ जाए कि आप स्कूल जाओ, स्कूल जाके टीचर बोले कि आप हमें तेज़ तेज़ पढ़ाना, बोले नहीं सर मैं तेज़ पढ़ाऊँगा, मैं तेज़ पढ़ूँगा, पढ़ूँगी, मुझे 5 चैप्टर पहले से ही आते हैं, बड़े से बड़े चैप्टर आते हैं, कोई पढ़ाई की हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है, अपने डाउट्स पूछने के लिए, और नीचे दिया हुआ है फ़ोन नंबर। तो पहले हम देखते हैं मोटिवेशनल पिक, उसके बाद करेंगे लेक्चर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है आज की मोटिवेशनल पिक। ये है एक बंदा जिसको हम नाम देंगे थिंकर। क्या थिंकर? ये सोच रहा है कि पढ़ाई करते हैं आज नहीं, कल करते हैं, किसी और मीडियम से करेंगे, बस ये सोच ही जा रहा है। पर होता क्या, सुबह उठता है ये 8 बजे, 9 बजे सुबह TV देखता है, शाम को पबजी खेलेगा, पूरे दिन पढ़ाई नहीं करेगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। फिर प्लान बनाएगा कल पढ़ूंगा, लेकिन कल का दिन भी ऐसे ही हो जाएगा। और ये हो आप डुअर,
आप सोच नहीं रहे, आपने सोचा और आपने वो प्लान एग्जीक्यूट कर दिया और आप कदम पे पाथ पे आगे चल पड़े। आपको ये बनना है, ठीक है? सोचते नहीं हुए, ये सोचता है, ये सोचता ही रहेगा। लाइफ इसकी सोचते और सोचते निकल जाएगी। सक्सेस किसको मिलेगी? सक्सेस उसको मिलेगी जो अपना रास्ता खुद बनाएगा, ठीक है? क्योंकि बहती हुई नदी थी, मरी हुई मछली तो ही चला सकती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और आपको आगे बढ़ते रहना और पढ़ाई करते रहना। जो भी हो जाए पढ़ाई नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि आज आप और पढ़ जाओगे देश के लिए, कल आपको अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनोगे, IAS ऑफिसर्स बनोगे, KS बनोगे, या कुछ भी एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, आप देश के काम आओगे। आपको पढ़ना है अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया, आपको डेमोक्रेसी दी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इतने काबिल प्रधानमंत्री हैं कि जिनके कारण हम रोज रात सुरक्षित हो रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए इटली, फ्रांस, US, इंग्लैंड, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे ये कोरोना वायरस नहीं संभव है। इसलिए तो देश ने आपको आज सवास दिए हैं, आज देश आपको बचा रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है मेरे फ्रेंड्स, जो भी हम हैं, ठीक है? ये मोटिवेशनल वीडियो ये देखते रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई नहीं रोकना। अगर पढ़ाई रोकोगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने फ्यूचर के साथ, और आप एक धोखा कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। जब मैं और भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मीडियम्स, मैं नहीं बोलता था कि प्रयास को सब्सक्राइब करो, और भी जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं वो जब पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो देन इट इज़ ए शियर इनजस्टिस, और आप बिटवे कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, अपने आप को। ऑनलाइन सोर्सेस है ना, 2G में भी वीडियो चल रही है ना, 2G में भी 240p पर चलाओ, वीडियो आराम से चलती है, बहानेबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको इस कैटेगरी में नहीं आना, आपको ये इस बंदे की तरह नहीं बनना है, आपको इस बंदे की तरह बनना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा बोल बच्चन हो गया, ठीक है? आई होप इस तरह कई बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ा हो। तो अब वीडियो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको, स्क्रीन। आज हम देखते हैं पहले 2 + √5। अंडर रूट फाइव के लिए मैंने आपको बनाना सिखाया था ना, अंडर रूट फाइव के लिए क्या था? अंडर रूट फाइव के लिए था कि अंडर रूट फाइव होता है अंडर रूट ऑफ 4 + 1। अंडर रूट ऑफ 4 + 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको पहले एक बार बताना चाहूँगा, इस वीडियो के नीचे मैं इससे पहले वाली वीडियो जिसमें रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री बनाना सिखाया, वो वीडियो देख रहे हैं तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, ठीक है? ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है, वो आप तो दोनों वीडियो देखो दे तो गारंटीड मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे स्टेट बोर्ड, चाहे CBSE, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी CBSE, ये क्वेश्चन 9th क्लास का नहीं आया तो ये चैनल बंद कर देना आप। रोड अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, 2 + √5, 2 - √5, जो मैं टाइप्स कराऊँगा बस यही करनी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 2 + √5 तो हम क्या करेंगे? देखिए रूट फाइव तो हमें आता है ना बनाने, रूट फाइव कैसे बनाते हैं? मैंने बताया ना, रूट 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस होना चाहिए 2 और हाइट होनी चाहिए 1, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जैसे आपको अगर पिछली वीडियो याद हो तो मैंने बोला था कि अंडर रूट फाइव बनाना है तो ये 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट फाइव, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि 2 + है, क्या है? 2 + तो आप नंबर लाइन बनाओ, नंबर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2। अब देखिए 2 + है ना, तो पहले आप 0 से लेके 2 तक तो मैं यहीं पे आ गया। अब इसमें प्लस करना है ना अंडर रूट फाइव, तो करो प्लस। प्लस कैसे करेंगे? अंडर रूट फाइव बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 का बेस चाहिए, यानी कि यहाँ से 2 यूनिट आ जाना है, तो 2 यूनिट आ रहे, 2 से लेते 2 यूनिट आ रहे 4। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? यहाँ से कंपास खोई, जितनी खोई उतने का ही मार्क, ये 60, ये 120, बाई सेक्शन हुई, ये आपका आ गया 90 डिग्री। अब इस पर 1 यूनिट की आर्क रही रारी, क्योंकि ये 1 यूनिट कहाँ पे आ रहा? इसकी वजह से इनको ज्वाइन किया,
जैसे इसको मैं नीचे लेके आया, टू से लेके ये पॉइंट तक, अब समझो इस चीज़ को, मैं ब्रैकेट से लेता हूँ, टू से लेके ये वाला पॉइंट तक ये आता है अंडर रूट फाइव, पर जीरो से लेके अगर मैं ये वाला पॉइंट टू, तो ये क्या आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आपका आ जाएगा टू प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव। ठीक है फ्रेंड्स, टू प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव, ऐसे ही टू माइनस अंडर रूट फाइव बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे देखते हैं अगली वीडियो में, अगली स्लाइड में आई मीन। टू माइनस रूट फाइव बनाने के, रूट फाइव की तो आपको प्रोसीजर पता है ना कैसे बनाते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू। देखो ज़ीरो से लेते टू तक तो आपका यही आ गया ना, ये आ गया टू, टू माइनस रूट फाइव बना रहे हैं हम। अब माइनस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे, प्लस में हम राइट हैंड साइड जाते हैं, इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है प्लस में हम जाते हैं आगे की तरफ, और ये आ गया प्लस में हम ऐसे जाते हैं, माइनस माइनस में हम जाते हैं, इट्स इन माइनस को मैं ग्रीन से वैसे रिजेंबल करता हूँ, माइनस में हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, प्लस में हम राइट हैंड साइड जाते हैं। अब क्योंकि टू माइनस रूट फाइव है, टू क्या है माइनस रूट फाइव, तो हम कौन सी साइड मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे ना, तो माइनस रूट फाइव में कैसे आएगा, रूट फाइव हम कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, 60 120 बाई सेक्शन 90 आर्क, इनको जॉइन किया, क्योंकि टू यहाँ से था, यहाँ से आपका आया यहाँ से लेते यहाँ तक, तो ज़ीरो से लेते यहाँ तक यही आपका आया टू माइनस रूट फाइव, क्योंकि देखो रूट फाइव की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू पॉइंट कुछ होती है, तो टू माइनस टू पॉइंट समथिंग है ना, टू पॉइंट वन टू कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो टू माइनस टू पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस ज़ीरो पॉइंट कुछ आएगा, यही तो आया ना, तभी देखो माइनस में जा रहा है ना ज़ीरो से लेते इस तरफ। आगे आपको क्वेश्चन समझ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही है, आसान आसान चीज़ें हैं। और हाँ जिनका बेसिक, अब अच्छा नाइन्थ में स्टैंडर्ड बेसिक होता ही नहीं है, लेकिन ये थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आर डी शर्मा उपाध्याय लेवल के क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब आता है रूट फाइव माइनस रूट टू, इसी में आ जाते हैं वापस। अगर सपोज करो ऐसा होता है रूट फाइव माइनस रूट टू या रूट फाइव प्लस रूट टू, तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस रूट फाइव प्लस टू, इसमें क्या आएगा माइनस रूट फाइव कैसे बनेगा, ज़ीरो से लेकर माइनस टू तक आपने जाना है, माइनस रूट फाइव प्लस टू आपका आएगा, यही सेम एस टू माइनस रूट फाइव है जैसा कि हमने अभी बनाया है ना, टू माइनस रूट फाइव भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में बनाया ना, वो तो ऐसे ही बनेगा माइनस रूट फाइव प्लस टू। अब हम कौन सा देखते हैं केस, अब हम केस देखते हैं फ्रेंड्स, माइनस रूट फाइव माइनस टू का, माइनस रूट फाइव माइनस टू के केस में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस रूट फाइव माइनस टू हुआ माइनस टू माइनस रूट फाइव, तो माइनस टू हम यहाँ से लेते यहाँ तक लेते आएंगे, यही हो रहा ना माइनस टू में, तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, और माइनस रूट फाइव तो ये क्योंकि माइनस है तो मैंने हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो यहाँ से लेते यहाँ तक हम जैसे ही गए, यहाँ पे 60 120 90 का हमने एंगल बनाया, 90 का एंगल बन गया, वन यूनिट का लेते क्योंकि ये रूट फाइव तो ये वन ही लेना पड़ेगा, ये आप ऐसे यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से लेते यहाँ तक आया आपका माइनस टू माइनस रूट फाइव। ठीक है
-2 -2.5 हमने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलेंगे आपका स्वैग का आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है अंडर रूट ऑफ 50। देखो अंडर रूट 50 कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 50 एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं देखा था पीछे सर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में आया था, 5 times अंडर रूट 2। तो हम इसको कैसे करेंगे, 5 times अंडर रूट 2 इज सेम एज अंडर रूट 2, 5 बाहर है तो अंदर जाते ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा, 5 into 5 और 2 into 5 10 into 5 50। तो अंडर रूट 50 तो मैं सीख सकता हूँ ना, दो स्क्वेयर नंबर्स को प्लस करना है तो 49 plus 1 क्या आएगा, 49 आ गया आपका 7 का स्क्वेयर plus 1 का स्क्वेयर। तो बहुत ही आसान होने वाला है अब हमारे लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर लाइन 8 नीचे बेस 7 का और परपेंडिकुलर 1 का आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 0 से 7 तक आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, 1 का आप बनाओगे 7 9 60 120 90 आपने ज्वाइन किया, इनको आपने यहाँ से लेते यहाँ अंडर रूट 7 को आपने ज्वाइन करने के लिए 0 से लेते अंडर रूट 7 तक का ये आ गया अंडर रूट 7 यहाँ से लेते यहाँ तक आया और ये आया 1 unit और ये आ गया आपका अंडर रूट 50। यहाँ की अंडर रूट 50 ही क्या है, 2 अंडर रूट 5 है, सॉरी 5 अंडर रूट, इसको मैं मिटा देता हूँ। अंडर रूट 50 ही आपका क्या है, 5 अंडर रूट 2 है। और जैसे इसको मैंने ज्वाइन किया ये आपका आ गया 5 times अंडर रूट 2 यहाँ से बैठे यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपका ये असाइनमेंट है, आपने ये करनी है और मुझे करके भेजनी है और आपको बताना है सर तो नहीं सर हम ऐसे नहीं हैं, हम काम करते हैं, हम फ्री नहीं बैठते। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। असाइनमेंट नोट कीजिए, आप आज बनाएंगे 2 plus under root 3 -2 plus under root 3 और आप बनाएंगे साथ साथ में अंडर रूट ऑफ 29। ये 3 आप क्वेश्चन बनाएंगे और भेजिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मोटो एक ही है, प्रयास मेरी तरफ से, सक्सेस मेरी नहीं होने वाली है इसमें एक्टिविटी, सक्सेस मेरी भी हो रही, आपकी भी हो रही और पूरी स्टेट की, पूरी यूटी की, पूरे भारतवर्ष की हो रही तो एक मैं कहीं भी आज पढ़ रहा था, एक शेयर पढ़ना चाहूँगा ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके कई ज़बरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पत्त होते हैं, पर वो अपने जुनून में मदमस्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को रोकूंगा कि अपने ख्वाब उनको नहीं जुटने दो। अब ये नहीं सोचो लॉकडाउन आ गया तो पढ़ाई था क्या, पढ़ाई है, पढ़ाई चलती रहेगी। मेरा एक ऑनलाइन मीडियम है, मुझे फ़ोन करो, आपको और चाहिए और वीडियोज़ बनेंगी, दिन में 4 वीडियोज़ बनाऊँगा, पर रिस्पॉन्स भी तो मुझे वैसा आए ना, जैसा आप बोल रहे, 8वीं बच्चा अगर बोलेगा तो उसके लिए वीडियो बनेगी, पढ़ाई नहीं उतरेगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहिए, थैंक यू, गुड बाय।